हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस। तो आज संडे न्यूज़ को देखते हैं। 17 जून है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देख लेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो पिनाका रॉकेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अभी डीआरडीओ इसको कन्वर्ट कर रही है गाइडेड मिसाइल में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी और एक्यूरेसी को और एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया था पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, दैट इज़ डीआरडीएल, हैदराबाद एंड रिसर्च सेंटर एमरात आरसीआई, इसके द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट और बात यहाँ पर यह है कि पिनाका जो नाम है वो बो ऑफ लॉर्ड शिवा के नाम पे रखा गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी रोवर। आपने नाम सुना होगा अपॉर्चुनिटी रोवर का, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहा है ये नासा का। 2003 में इसको लॉन्च किया गया था रेड प्लैनेट मार्स पर, ठीक है, और अभी भी वहाँ से कई इन्फॉर्मेशंस ये हमें भेजते रहते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि मार्स इज़ अ प्रोन टू डस्ट स्टॉर्म। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म पाए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर थिन एटमॉस्फेयर है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से याद रखिएगा कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है एंड डेजर्टिक कंडीशन है वहाँ पर। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स वहाँ पर देखे जाते हैं। सेकेंडली, ये जो अपॉर्चुनिटी रोवर है ये सोलर पावर्ड है, ठीक है। इसी के जैसा एक और रोवर है नासा का, दैट इज़ कॉल्ड क्रियोसिटी। क्रियोसिटी भी एक रोवर है जिसको डेवलप किया है नासा ने इन इट्स मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन 2012। इसको 2012 में भेजा गया है मार्स के ऊपर टू असेस वेदर मार्स एवर हैड एनवायरमेंट एबल टू सपोर्ट स्मॉल लाइफ फॉर्म कॉल्ड माइक्रोब्स। तो इस क्रियोसिटी का क्या मतलब होता है, हमने इसको पहले भी देखा था। इसमें ये जानने के लिए इसको भेजा गया है, इस रोवर को, कि क्या वहाँ पर पहले ऐसी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती थी या माइक्रोब्स वगैरह क्या वहाँ पर कभी थे, क्या फिर ये किसी स्मॉल लाइफ को सपोर्ट कर सकता है जो मार्स का एनवायरनमेंट है। तो काइंड ऑफ लाइफ को पता लगाने के लिए इस क्रियोसिटी को वहाँ पर भेजा गया है 2012 में। हमने दो यहाँ पर रोवर की बात की, एक अपॉर्चुनिटी रोवर और दूसरा क्रियोसिटी। और ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है, आप आज के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे इसकी इमेज आई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कारा। कारा स्टैंड्स फॉर सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, याद रखिए कि एक स्टेटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडली, इसका क्या फंक्शन है, तो ये एक नोडल एजेंसी है या नोडल बॉडी है जो जितने भी अडॉप्शन हैं, अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन एबेंडेंट और सरेंडर चिल्ड्रन, इन सभी बच्चों का जो अडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर होता है उसको ये रेगुलेट करती है, ठीक है। इस कारा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जब इंडिया ने हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 को रेटिफाई किया था, ठीक है। 2003 में रेटिफाई किया गया है। हेग कन्वेंशन के नाम से बहुत सारे और भी क्लॉज हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 3 से 4 चीज़ें हैं जो हेग कन्वेंशन पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेग कन्वेंशन और इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो याद रखिए, इसको इंडिया ने रेटिफाई किया है 2003 में और उसके बाद ही कारा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे, दैट इज़ कारा वॉज डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द इंटर कंट्री अडॉप्शन। ये अडॉप्शन की बात तो करते ही हैं, उसको रेगुलेट तो करते ही हैं, कहाँ पर, इंटर कंट्री में। दूसरी कंट्री से जब लोग आते हैं अडॉप्ट करने के लिए चिल्ड्रन को इंडिया में, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स तैयार करते हैं। इट हैज़ रिसेंटली बार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टनर्स इन लिव इन रिलेशनशिप फ्रॉम अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। याद रखिए, ऐसे कपल जो कि लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनको ये अडॉप्शन के लिए बार्ड करके रखते हैं, उनको अलाउड नहीं है इंडिया में बच्चों को अडॉप्ट करना। बिकॉज इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो एक स्टेबल फैमिली की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता है। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ स्टेबल फैमिली, दैट इज़ वाई विदाउट मैरिज उनको बच्चों को अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स में याद रखनी है, दैट इट परमिट्स अ सिंगल वुमन टू अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर। जो वुमन है वो किसी भी जेंडर के चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकती हैं, वाइल जो मैन हैं वो सिर्फ बॉयज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी इससे हमें पता चला कि ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस को तैयार करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है और इसको आपको ध्यान में इसलिए रखना है बिकॉज आप जब भी न्यूज़ वगैरह भी पढ़ रहे हैं, चाहे एडिटोरियल आता हो या कोई छोटे मोटे न्यूज़ आता हो, तो उसमें इसका जिक्र होता है। तो अगर आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करती है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
जो 5 W's आते हैं संडे को, उसी से रिलेटेड है ये. इन तेलंगाना फाइन ट्यूनिंग स्कीम फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए स्कीम तेलंगाना में लॉन्च किया गया है. तो उसका नाम है रायतु बंधु. ठीक है, रायतु बंधु जो है वो फार्मर्स के लिए स्कीम है, सबसे पहले आपको याद रखना है. इसके बाद इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम, याद रखिए, एक ऐसा है इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है, रिलेटेड टू फार्मर्स है, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है. ठीक है, दिस स्कीम कंसीव्ड एज एन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फॉर फार्मर्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर. इसमें फार्मर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, देखिए इन्वेस्टमेंट सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब जो फार्मर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किस किस चीज़ के थ्रू, सीड्स वो खरीद सकें उसके लिए उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकें, या और भी जो इनपुट्स हैं, चाहे इरिगेशन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है या फिर जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उस पर वो अपने खर्च कर पाए, इस वजह से उनको पैसा दिया जाएगा. और ये पर एकड़ पर 4,000 रुपीज़ का असिस्टेंस दिया जाएगा, 2 क्रॉप्स के लिए, खरीफ और रबी के लिए दिया जा रहा है, दोनों बातें ध्यान में रखेंगे. इसके अलावा इसमें जो ये न्यूज़ आता है उसमें थोड़ी सी एनालिसिस की जाती है कि इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या उसके नुकसान है, तो ये चीज़ें आज पूरे न्यूज़पेपर में आई हुई थी. उस 5 W's में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि कौन, तो कितने बेनिफिशरीज़ को ये क्या अमाउंट दिया जाएगा वो हमने देख लिया. सेकेंडली, हाउ मेनी फार्मर्स विल बेनिफिटेड, कितने फार्मर्स हैं जो बेनिफिटेड इस प्रोग्राम से होने वाले हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में फार्मर्स की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब रहती है, बिकॉज़ वहाँ पे कई ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे कि बहुत प्रॉपर बारिश नहीं होती है और वो ड्रॉट प्रॉन देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है. तो इस वजह से पहले तो याद रखना है कि ये स्कीम्स तेलंगाना का है, वहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. तो इसमें टोटल 57.40 लाख फार्मर को टारगेट किया जा रहा है. अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो आप इस डाटा को एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने आंसर में, जब भी आप फार्मर वेलफेयर की बात करें या फिर ओवरऑल सेंट्रल लेवल पर बात की जाए आंसर राइटिंग में, तो आप वहाँ पे किसी स्टेट का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम्स को लॉन्च किया है वैसे ही बाकी राज्य भी इस पर काम कर सकती है. इसके अलावा इसमें बोला गया है दैट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेक द गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड ट्रांजेक्शन टू तहसील ऑफिसर्स. और इसमें एक पोर्टल का नाम लिया गया है दैट इज़ कॉल्ड धारिणी. ये जो धारिणी पोर्टल है उसको ऑपरेट किया जाएगा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा, और यहाँ पर जो किसानों को जब चेक्स वगैरह दे दिए जाएंगे तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार होगा. तो इससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सकता है और जो बेनिफिट्स हैं वो फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं कि नहीं उसका भी पता लगाया जा सकता है. एंड अब न्यूज़ इम्पॉर्टेंट आज के लिए इतना ही था. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज का. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमने न्यूज़ को डिस्कस भी किया था तो आपको उसका आंसर करना है. पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ होस्टिंग द 10th मीटिंग ऑफ ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फेरेसिस. सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ हाइएस्ट बर्डन ऑफ लिम्फेटिक फेरेसिस. और थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डिवास्टेटिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्प्रेड बाई मॉस्किटोज. करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है मुझे लगता है आज का, तो आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. एंड एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, पहले तो ऐसे बच्चे मैं लगातार अनाउंस कर रही हूँ कि जो तैयारी में आना चाहते हूँ, 2019 को टारगेट करना चाहते हूँ, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि नया बैच शुरू हो रहा है 19 जून से, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो ट्यूजडे से, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में. सेकेंडली, ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है उनका स्कोर, वो लिखेंगे इस बार मेंस, तो वो काम शुरू कर सकते हैं हमारे साथ आंसर राइटिंग के सेशन में. आपको पता होगा, आप लोग एडिटोरियल डिस्कशन को सुनते हैं, वहाँ पर लगातार आपको बताया जाता है हमारे प्रोग्राम के बारे में. तो पर्सनल गाइडेंस का जो प्रोग्राम है हमारा, आप उसमें हमें अप्रोच कर सकते हैं. जो लोग 2018 को ये मेंस को टारगेट कर रहे हैं वो भी, उनके लिए हमारे पास अलग से प्रोग्राम है, पूरा प्लान है. और जो लोग अभी 2019 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये हाई टाइम है कि वो अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं. इन नंबर्स पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.